हेलो नमस्ते कुलम्बाई उर्गिरा सॉन्ग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक है और फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में सभी को। और आप लोग देख सकती हो अभी मैं कहाँ हूँ, दोपहर को हम लोग छाव पे रेस्ट कर रही है क्योंकि हम लोग खेत में आए हैं, धान उठाने का काम हमारा अभी तक जारी है, हर दिन यही रोज का काम। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इसका उसका क्लिप ब्लॉग आप बना के आप लोगों के सामने पेश करूँगी सोचा था, और इसलिए मैंने आप लोगों को ये दिखाया। और देख सकते हो वेदर आज बहुत ही अच्छा था मौसम। सो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो देखते रहना। अरे की सब्जी नहीं आई आजी भाजी थे आरो काठल गुटी भाजी आरो डिंग डिंग फुल भाजी आरो टेकी भात केरेला भात केरेला आरो टेकी मेस्ता टेंगा पाता मेला ना कत खाओ आरो खाया था गामी ना के काला होया गेलु दिथि काम करिया हेना काला हो ना ए की करू आरो उपाय नाय कोन आरो काम से चले बोगा होबो आरो एखन आमी भात खांगारो ना घर में जितना भी टेस्टी टेस्टी खाना क्यों ना बने लेकिन बाहर का इस तरह से खाना कुछ अलग सा फीलिंग देता है दोस्तों। और ये खेती जो लोग करते हैं हम लोग विलेज का लोग वो ही महसूस कर सकते हैं दोस्तों ये पल। हाँ छागल को दिम रहे खुजिले छागल मावटा का दी लगे मेकुरिया लगभग 20 दिन चले गए हैं दोस्तों, हमारा काम अभी भी जारी है। तो रंग उतर गया एकदम सा साबली हो गई हूँ रिंगता ची ना रुजा में से रिंगता गाड़ी आने लाए असम बोर्डर क्रॉस कर दो तेरे निकाल बोर्डर बैठ जा निकालो एक हिंग निकालो बाहिंग बे असम असम ही पड़ा माय पॉकेट बजाना चुप। हाय गाइस गुड इवनिंग। और देख सकते हो ये है असम मेघालय बॉर्डर को सनसेट व्यू बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। और अभी हम घर में जा रही है पैदल बरेमा और में क्योंकि खेत से हम गए थे और बीज को उठाने के लिए और धान लगाना बाकी है। और यहाँ से बहुत ही अच्छी तरह दिखते हैं हमारे सनसेट व्यू नेमरा अनुका इसनी परा तो चिंगते बे नुकीना रिंगता दुम दाकाईना नेम रांगसी। और उधर है मेरे बड़े माँ और मैं, हम दोनों जा रही है और मेरे को हाथ में कुछ सामान है। और यहाँ से सनसेट व्यू अच्छी तरह दिखाई दे रहे है और खाते ना रहो तक पास खाता आधा रवे आतो टुक लवे दे दे जाको बा दे सासरे ओबरन मोर लंपो ना हां आर सिंगी कृष्ण तारो ना हां दे सांजे व्यू ने मानो चिंगी हां दे ची मेघालय नि परा ना गाय ना दे दुम डकाय ना नेम राखिन बे ना दे दे। सो दोस्तों घर पहुंचते पहुंचे शाम भी ढल चुका है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों नेक्स्ट डे। और देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारे जुगाड़ कर लिया, यहाँ पे चिकन से मैं कुछ चटनी वगैरह खाने के लिए बना के ले जाऊँगी क्योंकि आज लास्ट डे है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, यहाँ पे चिकन को कल ही लाया था बाबा ने और इसको अच्छी तरह ये फ्राई करके जल्दी जल्दी बना के लेके जाना है। और एक तरफ माँ जुगाड़ कर रही है सुबह से लेकर क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ना वहाँ पे। तो दोस्तों आप लोग को मैंने
और यहाँ पे स्टीम किया हुआ देख सकते हो, स्टिकी राइस। ये है हमारे ट्रेडिशन, मतलब लोकल राइस प्यार लेके जाएंगे और सब लोग गाड़ी में उठ चुके हैं और जाने की बारी अभी, ऐसे ही चले जाएंगे हम, बाबा लेके जाएंगे हम लोग। सब लोग यहाँ पे बहुत मस्त मस्ती करके जा रहे हैं और बहुत हवा आ रही है दोस्तों, क्योंकि जहाँ पर हम लोग धान लगाए हुए हैं तो वहाँ पे 2.5 किलोमीटर होगा लगभग, और वहीं पे पहुँचने के लिए तो पैदल जाऊँगी तो बहुत देर हो जाएगा, तो इसीलिए घर की गाड़ी से ही सब लोग आई हूँ और पहुँचने वाली हूँ। देख सकते हो कैसा कैसा दरबनी मतलब जगह है, उसको पार करके जाना पड़ेगा ऐसे, तो सब लोग धीरे धीरे पार कर रही है, तो कुछ लोग डर रही है आंटी लोग, और देखो अभी पहुंच गई हूँ। और देख सकते हो ये है कीचड़, पूरा उधर से लेके इधर तक कीचड़ लगा हुआ है, और अभी बीस को छारो और अच्छी तरह से डिवाइड करके देंगे, और बीस के ऊपर थोड़ा थोड़ा काट रही है बाबा, तो देखो। और मौसम बहुत ही अच्छा है और आसमान नीली है, और देख सकते हो हवा भी चल रहा था, और देख सकते हो वहाँ पे जो ट्रैक्टर लगा हुआ है तो वो हस्बैंड है। हम लोग सब लोग घर के लोग काम में लग जाते हैं दोस्तों, तो ये 20 डे 25 डे से लगते हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद अपना मार इच्छा इतना तो दौर तक छेटे भरा लिपस्टिक का छेटे दीबे ना लाइट मन आशी बसर सक दो ने। और यहाँ पे जितनी भी लोग बीस को लगाने के लिए जो आए हैं हमारे घर में, उन लोगों की घर में हम पहले से ही जा चुकी हूँ जो बीस को लगाने के लिए, तो इसको हमारे क्या कहते हैं, हाथ बारा कहते हैं, मतलब जो मेरे घर में आके बीस को लगा के जाएंगे, तो फिर वही हम लोग फिर टाइम पे हम लोग जाना पड़ेगा ऐसा करके, क्योंकि इसलिए हम लोग को लगा दोस्तों अभी काम हो गया है फिनिश, मतलब लगाना काम, तो अभी 11 बज चुका है और कंप्लीट हो गया उसके पहले, और देखो अभी खाने के लिए क्या क्या घर से भी जो बना के लाया था ना सुबह, आपको लाई है ना क्या, और नहीं सॉरी ये दोस्तों सब लोग हैं हमारे गांव के लोग, आंटी लोग हैं, मामी लोग हैं, मौसी लोग हैं, सब लोग हैं, तो मेमोरी की तरह मैंने यादगार रखने के लिए थोड़ा बहुत शेयर किया। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दे चुका था, लेकिन खाना क्या क्या खाया वो तो नहीं दिखा पाई हूँ दोस्तों, लेकिन यह मैंने कोशिश किया देने के लिए, फिर भी तो मेरा मिस्टेक हो ही गया बाद में। और दोस्तों ये स्टिकी राइस ना हमारे जो मजदूर करने के लिए आया था जो हजोंग ट्राइब का जो बड़े माँ की जैसा वो खाना चाहती थी, लेकिन मैंने इसे समझ में ट्रांसलेट किया, क्योंकि जो तुम खाना मैंने
मांगा तो बाबू को पूरा हो गया ऐसा बोल रहा था मैं उनको। और ये है जो बट रही है जो डिवाइड कर रही है तो मेरा पता है मेरा तो इन्होंने भी हमें बहुत सारा हेल्प किया। तो थैंक यू सो मच दीदी, आप मेरे वीडियो को देख रही हो तो वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये सब बोल रही हूँ। ভাল লাগে না রাস্তাটা দিন দে গিলাস তেল না নাই আনে গিলাসটা ও নাই আনে না। সো দোস্ত ভিডিও কো এন্ড করতে হে তো थोड़ा क्लिप बाकी है तो ये जो आप लोग के जो इच्छा है वो तो देख लेना और नहीं तो इसकी बन सकते हैं। मैं वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, पॉजिटिव रहना, स्माइल कर रहना। बाय बाय। पिंटा हे राइट अब हे देखा वैसी वाह खाना का मजा को ना মাছরুম ইমেন biar apa biar apa biar ini guys sesan sangrang kok anak নাকের সুইজ নাকের আয়ো নিমা